देंगे। बढ़िया फुल रोटी बन रहा है, पूरा सुंदर दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग फूल रोटी बना रहे हैं। देखिए, देखो मैया पूरा सारा रोटी को ले गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से और एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों अभी हम लोग बना रहे हैं फूल रोटी ना। हाँ। तो फूल रोटी बना रहे हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे। और दोस्तों हम लोग भी पहली बार आज बना रहे हैं, बहुत दिन से नहीं बनाए थे। और दोस्तों क्या से बनता है वो चीज़, सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी हम लोग मैदा ले लिए हैं ना। हाँ। पैकेट वाला मैदा है, बाजार से लेके आए थे। और मेरा वाइफ मिला रही है। तो क्या क्या अभी लगाएगी इसमें? थोड़ा सोडा लगाएंगे, सोडा लगा रही है। उसके बाद मीठा सार थोड़ा है? मीठा सार, हाँ ना, मीठा सार। चीनी तो नहीं लगाएंगे इसमें। उधर माया देखो, हेलो कर दो, इधर खाएगी है फूल रोटी खाएगी? हाँ बोलो। देखो, और दोस्तों इसमें पानी है बर्तन में। नमक नहीं लाए हैं, नमक थोड़ा सा डालेंगे। तो इसी में अंडा को पूरा, दोस्तों अंडा मिलाना पड़ता है। अभी भी मैदा में अंडा डाल रही है। कितना को डालना पड़ता है? एक या दो गो। तो दोस्तों हम लोग दो अंडा दो लगा देंगे। दो अंडा डाल देंगे। बस हो गया, अभी थोड़ा मिला लो। देखो दोस्तों किस तरह से मिला रही है। इसको पूरा अभी मिलाना पड़ता है ना। हाँ। तब जाके अच्छा से फूल रोटी बनेगा, नहीं से तो दोस्तों नहीं बनेगा। आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग मैदा ले लीजिए, उसके बाद में अंडा दोगे, उसके बाद सोडा, ये सब मिला के आप लोग भी बना सकते हैं। थोड़ा तेल लाओ, तो तेल डालना पड़ेगा, वही का उठा के लाओ ना। और दे चाकू तो यहीं पर है। इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल रहे हैं दोस्तों, देखिए। उसमें नहीं, इधर। हाँ रखो, गिर जाएगा तो। अभी तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा अभी हम लोग मिला लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे आगे। तो बने रहिए दोस्तों कंटिन्यू। जाओ मैं डोबने लेके ला। ऊपर वाला हिलाओ ना। तो दोस्तों अभी हम लोग पानी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। हाँ, पहले आप लोग पानी को गर्म कर लीजिए। हम लोग गर्म किए हैं ना, बहुत ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल मीडियम में पानी डाल दिए हैं। मैं ये तो पहले ही खाने के लिए तो पानी आ जा रहा है मुंह में ना। मैं दे
कच्चा है अभी बनाएंगे, उसके बाद फिर से इस तरह से मिलाना पड़ेगा आप लोग को। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मिला लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी तो कुछ इस प्रकार रेडी हो रहा है हम लोग का। और थोड़ा सान लेंगे ठीक से, तब जाके अच्छा से बनेगा। नहीं करो तो दोस्तों अभी हम लोग सब कुछ रेडी कर लिए हैं, तेल भी गरम कर लिए। हाँ देखिए कढ़ाई में डाल दिए हैं और अभी तो हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग साँचा ले लिए है ना जी। देखिए कुछ इस प्रकार इसका साँचा है और इसमें डुबा रही है देखो कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से डाल रही है। देखिए दोस्तों शुरुआत में ठीक से नहीं जान रहे हैं कहाँ नहीं निकल रहा है तब और तो निकल गया। हाँ देखो दोस्तों पूरा बढ़िया फुल रोटी बन रहा है, पूरा सुंदर दिख रहा है ना। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे पहले। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसे तो काला होगा। देखो काला हो रहा है, जल्दी करो उल्टा। अरे शुरू का तो काला हो गया। नहीं ठीक है, गरम है इसको मत छुओ। तो इस तरह से हम लोग फूल रोटी बना रहे हैं, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। इतना छान लिए हैं, और दोस्तों आप ये साँचा को पानी में मत डुबाइए, ऐसे ही तेल में डुबा डुबा करके मैदा में इस तरह से चलिए डुबाइए। ज्यादा भी नहीं डूबना है, हल्का है, हो गया बस। बस तेल में इस तरह से डाल दीजिए हल्का हल्का हल्का, इसे थोड़ा सा झटका दीजिए। हाँ एक बार ही लटक जाता है। देखिए दोस्तों देखो मैं ये पूरा सारा रोटी को ले गई है के लिए। किसी को खाने नहीं दे रही है और इधर सब गिरा रही है, देख सकते हो। खा लो माइया कैसे लगता है, खाओ एक ठुको, खाओ जल्दी। एक ठुक खाओ, दो दो वो खा रही है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार बनाए हैं, खा रहा है अभी तो, खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पूरा टेस्टी है, इतना सारा बनाया है। दोस्तों आप भी बनाइए सर रोटी और टेस्ट कीजिए कैसा लगता है ना। मैं